इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। वैसे तो कोरोना मरीजों को लेकर तादाद घटने की बात कही तो जा रही है, पर सच्चाई यही है कि अभी भी हालात जैसे थे वैसे ही है। कुछ मौतों के आंकड़े कम होते दिखाई दे रहे हैं, पर हर रोज बेलगाम जिले में 1000 से 1500 तक पॉजिटिव मरीजों की तादाद पाई जा ही रही है। डॉक्टर्स, नर्सेस, सेहत महकमा के मुलाजमीन, कारपोरेशन के मुलाजमीन, यहाँ तक के पुलिस महकमा भी पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। कोविड सेंटर्स में इलाज अब लाजिम किया गया है। जितने भी होम आइसोलेशन में मरीज थे इन्हें कोविड सेंटर में दाखिल किया जा रहा है। घर वालों के मुखालिफत के बावजूद भी कारपोरेशन महकमा ने सुभाष नगर कोविड सेंटर के साथ दिगर कोरोना मरीजों के लिए समाजी तंजीमों की जानिब से बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में दाखिल करने की सख्ती की गई है। अब इसके लिए कारपोरेशन महकमा को काफी दिक्कत उठानी पड़ रही है, क्योंकि घर वालों की जानिब से जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि घर में यानी होम आइसोलेशन में जब मरीज ठीक हो रहा है तो आखिर कोविड सेंटर में क्यों दाखिल किया जा रहा है। हेल्थ अफसर संजय दुमगोल ने कहा कि घर वालों की मुखालफत के बावजूद भी कोविड सेंटर्स में दाखिल करने की कार्रवाई जारी रहेगी। अब तक 50 के करीब लोगों को होम आइसोलेशन से कोविड सेंटर में दाखिल किया गया। वैसे हमने कल अस्पतालों में किस तरह एजेंट गिरी जारी है, कैसे रुपये लूटने का काम जारी है, इस पर एक रिपोर्ट पेश की थी। लिहाजा आज हुकूमत की जानिब से मरीज की मौत के बाद बिल के लिए अस्पताल वालों की जानिब से जो तकाजा लगाया जा रहा है, और कहा जाता है कि जब तक बिल अदा नहीं किया जाएगा मरीज की लाश तक नहीं देंगे, इस पर हुकूमत ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि अगर किसी मरीज की मौत हो जाती है तो बिल के लिए तकाजा न लगाएं, और अगर ऐसा कहीं पर पाया जाता है तो अस्पताल वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कई शिकायतें सेहत महकमा को किए गए, जिस पर रियासती सेहत इंतजामिया के जिम्मेदार जनाब जावेद अख्तर ने कहा कि जितनी भी शिकायतें हासिल हो रही हैं इसकी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर रियासती दफ्तर भेजी जाए। पूरी रियासत के जिलाई अफसर यानी DC पंचायत अफसर को खत के जरिए इत्तला दे दी गई है। अस्पतालों की कैफियत बहुत ही नाजुक है। बिम्स बेलगाम की कैफियत तो पूछो ही मत जैसे है। सवाल किससे पूछे अवाम को समझ में नहीं आ रहा। अगर बिम्स के जिम्मेदार को सवाल पूछते हैं तो DC से सवाल पूछो कहा जाता है। आम आवाम को तो आला अफसर तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाता है। अगर मान लो कोई देहात से मरीज दाखिल भी होता है तो पहले तो इसे मालूमात ही नहीं रहती, लिहाजा बाजों का तो मरीज की कैफियत का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। 100 मरीजों के पीछे महज 2 नर्सेज देखभाल के लिए होती है, तो अंदाजा ही लगाया जा सकता है कि कितनी खौफनाक हालत है। डॉक्टर्स को फरिश्तों की तरह देखा जाता है। आप उमूमन देखते होंगे कि डॉक्टरों को गोया एक फरिश्ते की तरह देखा जाता है, पर क्या कभी आपने मरीजों के साथ मोहब्बत अजीजी के साथ शायद किसी डॉक्टर को आपने बात करते हुए देखा होगा। अगर मान लो निजी अस्पताल में दाखिल करेंगे तो मरीज के साथ तो छोड़ो, घर वालों के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं किया करते ये डॉक्टर। दरअसल यह रवैया डॉक्टरों को तब्दील करना होगा। अगर आप मरीजों के साथ अच्छा सलूक करेंगे तो मरीज अपने आप को पहले ही बेहतर महसूस करने लगेगा, पर देखा यह जा रहा है कि बिल्कुल ही हकारत से और बड़े मगरूर अंदाज में डॉक्टरों को आप बात करते हुए पाएंगे, और इसी तरह का इनका रवैया मरीज के लिए एक दबाव में लेकर आता है जिसकी वजह से बीमारी भी मजीद और बढ़ सकती है, ऐसे कह सकते हैं। खैर, कहने का मतलब यह है कि खिदमात अंजाम देने की बात तो है, पर इन्हें मरीज को ग्राहक के नजरिए से देखने की आदत पड़ी हुई है। बेलगाम शहर की तस्वीर बड़ी ही नाजुक है। अब तो पुलिस महकमा में भी पॉजिटिव पाए जाने की इत्तला हासिल है और मरीजों की तादाद में इजाफा भी होने की इत्तला हासिल है। तकरीबन 70 से भी ज्यादा पुलिस वाले पॉजिटिव पाए गए। डॉक्टर विक्रम अमाटे ने साफियों को बताया कि किसी तरह की जानी नुकसान तो नहीं हुए, पर 70 पुलिस पॉजिटिव पाए गए। अब तक 1400 पुलिस वालों ने वैक्सीन के डोज लिए। बेलगाम जिले में पिछले 60 दिनों में 30,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव मरीज पाए गए। मौतों का आंकड़ा आज भी 24 के करीब होने की तरह हासिल है। बेलगाम शहर में NGO की जानिब से कोविड केयर सेंटर का कयाम गरीब आवाम के लिए सहारा बन रहा है। अगर जिक्र किया जाए तो मदीना फाउंडेशन कोविड केयर तो अपने खदमात अंजाम दे रहा है, पर अब अंजुमन इस्लाम का तकरीबन 60 बेड का बेहतरीन कोविड केयर सेंटर जुमा से आवाम के खदमात में पेश किया जाएगा। निजी अस्पताल में दाखिल करने से लोग इसलिए भी गुरेज कर रहे हैं क्योंकि लाखों का बिल मरीजों से लेने की बात सामने आ रही है। लिहाजा मदीना और अंजुमन समिति जैसे इदारों ने आवाम की मुसीबतों को कम कर दिया है। हुकूमत भी बार बार अपने बयान को बदलते देखा जा रहा है। पहले तो तीसरी लहर की बात कही जा रही थी और लहर में बच्चों की बात कही जा रही थी, पर एम्स के डॉक्टर गुलेरिया ने
अपनी ही बात को बदलते हुए कहा कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए कोई खतरा नहीं है और कोई दलील अब तक हासिल नहीं हुए, यानी कि कोई दलील और इम्कान हासिल नहीं हुए। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस और अब नया येलो फंगस बीमारियों ने सर उठाया हुआ है। तकरीबन पूरे मुल्क में 11,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज होने की बात कही है और कईयों की मौत भी वाकई हो चुके हैं। कोरोना से भी यह बीमारियां खतरनाक है ऐसे कहा जाता है, जिसमें मौतों के आंकड़ों में इजाफा हो सकता है। पर क्या बीमारियों के बहाने आवाम को लॉकडाउन कहकर घरों में बिठाना कहां तक दुरुस्त है? कोरोना को लेकर लॉकडाउन से आवाम परेशान है। अब तो अवाम का सब्र टूटता दिखाई दे रहा है, सब्र का बांध टूट रहा है। महाराष्ट्र में तो अवाम ने किसी तरह लॉकडाउन के फैसले को ना मानने की बात करते हुए कहा कि मरीजों के बढ़ने घटने की बात कहकर अगर लॉकडाउन को मजीद थोपने की कोशिश की तो नहीं मानेंगे, लिहाजा 1 तारीख के बाद किसी हाल में कारोबार शुरू करेंगे, ऐसा हुकूमत को उन्होंने इशारा भी दिया है। अब हुकूमत को चाहिए कि आवाम पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करे, इस तरह का भी इशारा उन्होंने कहा। इसी तरह कर्नाटक में भी आवाम में अब लॉकडाउन के बहाने घरों में बैठने की मुखालफत की आवाजें उठ रही है। आवाम का कहना है कि वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, रैपिड टेस्ट के जरिए हर फर्द का टेस्ट कराया जाए, पॉजिटिव पाए जाते हैं तो इन कोविड केयर सेंटर में दाखिल किया जाए और इसी के जरिए से इलाज कराया जाए। पर लॉकडाउन के जरिए तमाम शहरियों को घरों में बिठाना ये कहां तक दुरुस्त है? अब देखना यह है कि 7 जून के बाद क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है या नहीं। खैर, गरीब आवाम दौर इम्तिहान से गुजर रही है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यह बीमारी खत्म हो जाए और अल्लाह ताला इस बीमारी से निजात दे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।